बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के बजट सत्र का आज दरअसल दूसरा चरण शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से संसद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के हंगामे के आसार, सीबीआई ईडी की कार्रवाई को लेकर हंगामे के आसार हैं। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के हंगामे के आसार, ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर हंगामे के आसार हैं। जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जारी है, उसे लेकर विपक्ष की ओर से संसद के भीतर मुद्दा उठाया जा सकता है और विरोध सरकार का किया जा सकता है। सुबह 11 बजे से संसद के बजट सत्र के दूसरे सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। तो बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के हंगामे के पूरे पूरे आसार है और ऐसे में आपको बता दें कि कई मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। सबसे राय लेंगे, सबके राय के बाद फिर क्या स्ट्रेटेजी बनाना हाउस में वो सारे देखेंगे। सर, ईडी और सीबीआई की जिस तरीके से रेड्स हो रही है, क्या ऑपोजिशन पार्टीज उस मुद्दे को भी उठाने वाली है? हर मुद्दा उठाएंगे इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, ईडी और सीबीआई का, जो ऑपोजिशन के ऊपर रेड हो रहा है और उनके ऊपर जो उनके लोग इतने करप्ट है कि कर्नाटक में 40% करप्शन है और वहाँ रंगे हाथ पकड़ा गया उनका MLA, उनको छूट है, लेकिन यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के 20-25-30 साल के केसेस निकाल के अपोजिशन पार्टी को तंग कर रहे हैं और खास करके लालू जी को तो इतना तंग कर रहे हैं कि वो बीमार आदमी है और उनकी बहू गर्भवती है। इसके बावजूद भी वो लोग थोड़ा सा ह्यूमैनिटी भी नहीं है और जिस वक्त जो करना करिए आप कानून के तहत, आपको कोई रोक नहीं पाना, लेकिन विथ वेंजेंस करना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहना, इसका कंडम मैं करता हूँ। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, पॉलिटिकल मोटिव के साथ में दरअसल यहां पर ये पूरी कार्रवाई की बात कही जा रही है और कुछ इसी तरह से मुद्दे हैं जो आज सदन के भीतर भी उठते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ इस समय राजा पटेल, हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा पटेल, अभी क्योंकि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, क्या कुछ रहेगा संसद के भीतर? आज पहले दिन की कार्रवाई होगी, किस तरह से पूरी कार्रवाई रहने वाली है, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे सेशन की शुरुआत हो रही है। मैं आपको बता दूं कि 6 अप्रैल तक की पूरा जो सेशन है वो चलेगा, पर विपक्ष पूरी तरीके से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक कर रहे हैं और रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सीबीआई की बात करें, ईडी की कार्रवाई को लेकर आज सदन के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर रणनीति बना रहा है, क्योंकि अलग अलग नेता, चाहे आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अलग अलग नेताओं को जिस तरीके से ईडी चीजें की छापेमारी हुई है, उसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष की ओर से रणनीति बनाई जा रही है और जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि संसदीय सत्र को लेकर कांग्रेस की विपक्षी दलों के साथ अहम बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक जारी और बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में अभी देखिए राजा पटेल, कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई जा रही है और संसदीय सत्र को लेकर विपक्षी दलों के साथ ये अहम बैठक कांग्रेस की जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक ले रहे हैं। आज पहले दिन क्या लगता है, कौन कौन से मुद्दों की गूंज है? ईडी सीबीआई का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं, किन कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठाता हुआ विपक्ष नजर आएगा सदन के भीतर? विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है सीबीआई ईडी का है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने जो देर पहले सुना कि जिस तरीके से कर्नाटक का वो जिक्र कर रहे थे कि जो बीजेपी के MLA है उनके पास काफी बड़ा कैश भरा मौजूदा, पर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसदों की बात करें वो भी सदन में हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिन्हा का पूरा मामला चल रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में लामबंद नजर आ रही है। उनके तमाम जो सांसद है, राज्यसभा सांसदों की बात करें वो लगातार जो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का जो सेशन है काफी हंगामेदार रहने वाला है, चाहे राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, इसको लेकर विपक्ष लगातार रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, इसको लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है, राजा पटेल इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर भी जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस उसको लेकर रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो बीजेपी है उनको सदन में घेरा जाए, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, सभी पहलू को लेकर बारीकी से बातचीत की जाए।